ए टू जेड न्यूज लाइव खबर की तहत। बिजली विभाग का काम कितना सुस्त और कितना चुस्त चल रहा है उसके बानगे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यह पीछे की तस्वीर आप देखिए कि बिजली विभाग के द्वारा जो है बिजली विभाग के संबंधित कार्य एजेंसी के द्वारा पोल गाड़ा गया है और चौर के हिस्से में खेतों में सहज तरीके से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था बहाल करने के लिए यह पोल जो है सो गाड़ा गया है। और इस तरीके से आप इधर भी आप देख पा रहे हैं कैमरा के माध्यम से कि कितने पोल जो है सो गाड़े गए हैं। यह तस्वीर हम आपको बंदरा प्रखंड क्षेत्र के पूर्वी हिस्से की दिखा रहे हैं। बंदरा प्रखंड के बंदरा पंचायत और पड़ोस में मुन्नी बैंगनी पंचायत क्षेत्र का जो चौर का हिस्सा है उस इलाके की यह तस्वीर है। दरअसल कई महीने पहले यह जो पुल है सो गाड़ा गया था और इस तरह का तस्वीर बना और लगातार तब से ऐसी ही स्थिति बनी है। लेकिन इस पर अब तक जो है जो बिजली विभाग के द्वारा वायरिंग नहीं किया गया है जिसके कारण से वायरिंग नहीं होने से यहाँ विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था बहाल नहीं कराई गई है। यह दूसरी तरफ हम तस्वीर आपको दिखाएंगे कि कैसे जब लास्ट में हम कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि उस तरफ जूम करके आपको दिखाएं कि पोल गाड़े गए हैं और पोल के आगे के हिस्से में किसानों को जब बिजली की ज़रूरत थी तो बांस बल्ला लगा करके तार को टन दिया गया है और वहाँ और इस तरीके का स्थिति मजबूरी में लोग जो है सो किसान इस तरह का व्यवस्था कर पा रहे हैं और इस तरह का नज़ारा जो है सो दिख पा रहा है। और ऐसे में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से किसान जब अतिरेक कर लेते हैं और आगे जो है सो कदम उठा लेते हैं बांस बल्लों के सहारे बिजली की आपूर्ति बना लेते हैं तब जो है सो शॉर्ट सर्किट की घटना होने पर जब अग्नि हादसा होता है तो किसानों को जिम्मेवार ठहरा दिया जाता है। आखिर यह लापरवाही की वजह क्या है, चुस्ती के बदले सुस्ती की वजह क्या है, यह किसानों को और यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और बिजली विभाग और खास करके बिहार की सरकार जब गांव-गांव विद्युत आपूर्ति का सपना दिखा रही है, भारत सरकार भी लगातार गांव-गांव और सहज रूप से खेत खलिहानों तक विद्युत आपूर्ति के दावे कर रही है। सिस्टम को एक्टिव करने के लिए लाखों करोड़ों रुपये इस विभाग और इस एस्टिमेट के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं तो आखिर इतनी सुस्त रफ्तार से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था और विद्युत संबंधी कार्यों की व्यवस्था क्यों चल रही है, यह कई सवाल अपने आप में है और किसान अपने आप में इस सवाल को उठा रहे हैं और उनका जवाब उनके पास नहीं मिल पा रहा है। बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का यह नमूना है और इस तरह का नमूना आपको बंदरा प्रखंड एवं गायघाट प्रखंड क्षेत्र के कई हिस्सों में दिख जाएगा। बावजूद वरीय अधिकारी के द्वारा इस मामले में गंभीरता नहीं बरतना कहीं ना कहीं उनके राजामंदी और अनसुनी को भी दर्शाता है। सवाल यह उठ रहा है कि जब जिन किसानों के लिए और उनके सुविधाओं के लिए इस तरह का व्यवस्था किया जा रहा है तो किसानों की सुविधाओं के नाम पर इस तरह का मजाक क्यों किया जा रहा है, और जब बिजली विभाग में संबंधित अभियंता और जो है सो कर्मचारी और विद्युत विभाग के जो है सो लाइनमैन मजदूर संबंधित सिस्टम के लोग कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं तो इतनी सुस्ती क्यों, और लगातार इस तरह का किसानों के साथ अनदेखी क्यों हो रहा है, और बंदरा प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र के इलाकों के साथ लगातार अनदेखी का माहौल क्यों बना हुआ है। आखिर कब तक नए पुल जो गाड़े गए हैं उसमें वायरिंग का व्यवस्था बन पाएगा, इस संबंध में हम जो है सो बंदरा प्रखंड के संबंधित विभाग के जेई से भी बातचीत किए पिछले दिनों। उन्होंने बताया, उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द ही जो पोल गाड़े गए हैं उसमें वायरिंग की व्यवस्था बना ली जाएगी और जल्द ही विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जब महीनों से यह हालात बने हुए हैं और ऐसी लाचारी और बेबसी बनी हुई है तो आखिर कब तक इसे मूर्त रूप देने का कोशिश किया जाएगा। यह किसानों को और यहाँ के लोगों को तभी समझ में आएगा जब पोल पर वायरिंग लगा दी जाएगी और उस वायरिंग से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। दीपक कुमार तिवारी, ए टू जेड न्यूज लाइव, मुजफ्फरपुर।